जय माता दी जय माता दी। मैं कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, जो पीछे पहाड़ है वहीं पे माता का दरबार है, वैष्णो देवी माँ का मंदिर है कटरा के पास, और निकल रहा है रेलवे स्टेशन। तो आज की जर्नी हमारी शुरू होगी कटरा स्टेशन से। देख सकते हो इस तरह का मार्केट है, आपको कटरा शहर का छोटा सा व्यू ले लीजिए। यहाँ पे केवल होटल ही होटल है। अब मेरे राइट साइड में देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, और ठीक स्टेशन के सामने आप देखेंगे माता का टेम्पल। यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी ट्रेन जर्नी इन वंदे भारत। ट्रेन नंबर 22440 कटरा न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे लोग 1018 भी कहते हैं। और ये दूसरी वंदे भारत है, इसके पहले दिल्ली से बनारस के बीच में चली दूसरी वंदे भारत, जो दिल्ली से कटरा के बीच में चलेगी। सो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ ऋषि, आप सभी का दोस्त, एंड वेलकम टू माई चैनल ट्रैवल इंडिया विथ ऋषि। एंड वन मोर, घूमो इंडिया और घुमाओ इंडिया। पहली वंदे भारत दिल्ली और बनारस के बीच, दूसरी वंदे भारत दिल्ली से कटरा के बीच। ना जाने कितने वंदे भारत इंडियन रेलवे से अब जुड़ने वाली है। और मेक इन इंडिया का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, देखिए आसमान छुएगा। आमतौर पर दिल्ली से कटरा आने में या दिल्ली से जम्मू होकर कटरा आने में 12 घंटे लगते थे, लेकिन ये ट्रेन आपको मात्र 8 घंटे में दिल्ली से कटरा पहुंचा देगी। और क्या चाहिए भाई, माँ वैष्णो देवी का जो दर्शन करने आते हैं श्रद्धालुओं लोग के लिए एक तोहफा है वंदे भारत। और ये ट्रेन हमारी आ चुकी है वंदे भारत। वो बनारस और दिल्ली के बीच में जो वंदे भारत चल रही थी, उससे बहुत सारा हादसा हो रहा था, जानवर आ जा रहे थे, और जिसके कारण जानवर अंदर फंस जाते थे और ट्रेन को आगे बढ़ने में रुकावट होती थी। इसलिए आप मेरे सामने देख रहे होंगे इस ट्रेन के ठीक नीचे, आप देख रहे हैं इस ट्रेन में कैटल गार्ड लगाया गया है, सेल्फी लेने वालों का तांता लगा हुआ है। कोच कंपोजिशन, तो इसमें 14 चेयर कार है और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार है। इसका फेयर है 1345, और जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार है उसका फेयर है 3200। कटरा से न्यू दिल्ली का डिस्टेंस है 655 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस कवर करती है 8 घंटे में एट द एवरेज स्पीड ऑफ 88 किलोमीटर पर आवर। C6 और सीट नंबर है 45। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। 45 विंडो से, और अभी मैं हूँ एग्जीक्यूटिव चेयर कार में। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है 2x2 का है, जो चेयर कार में 3x2 का रहता है। बाकी कह सकते हैं इसका सीट भी आप मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो लेग रूम तो भाई पूरा, आप आराम से फ्लैट हो सकते हो। सीट भी देख सकते हो स्पेसियस है, LCD लगा हुआ है। वेलकम टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा न्यू दिल्ली टू वंदे भारत, जिससे कुछ ना कुछ मैसेज आते रहेगा इससे। यार टच कीजिए, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ज़्यादा गोरा दिख रहा, थोड़ा छाँव में आ जाओ। हाँ आप सही है, कुछ पल में ट्रेन हमारी यहाँ से रवाना होगी। डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली, नेक्स्ट स्टेशन जम्मू तवी, अंतिम स्टेशन नई दिल्ली, अगला स्टेशन जम्मू तवी। डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली, नेक्स्ट स्टेशन जम्मू तवी। क्या व्यू है भाई, माइंड ब्लोइंग। आप देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर माता वैष्णो देवी का टेंपल, ऊपर देखिए क्या व्यू है। जो मैं पहली बार इस चैनल ब्लॉग देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सामने पर सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे क्या होगा जो भी मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। फूडी लोग के लिए बहुत कुछ ख्याल रखा गया है इसमें, आपको जो भी यहाँ पे स्नैक्स या डिनर सर्व होगा उसको अलग से पे नहीं करना है, बहुत कुछ खाने को मिलने वाला है। और ये देखिए बगल में देखिए मेरे नीचे, फूडी लवर्स का बहुत ख्याल रखा गया। देखिए सामने अमूल की लस्सी
सॉल्ट कारमल पॉपकॉर्न, मसाला चाय का सैचेट, मॉगनीज का केक, बीकाजी का भुजिया और मे बी एक कचौड़ी और वो गर्म है, और ये है टमाटो सॉस। जम के खाइए और जम के बाहर का नज़ारा का मज़ा लीजिए और जर्नी एंजॉय कीजिए। और घबराए नहीं, इसके लिए आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करना है, ये आपके टिकट में इंक्लूड होता है। हमारी ट्रेन यहाँ उधमपुर के पास से निकल रही है। इसमें जो मसाला चाय है इसको इसमें डालना है और आपकी चाय हो जाएगी तैयार। और चाय का फिर मजा लीजिए। आपको यहाँ पे स्टिक दिया हुआ है इस तरह से छोटा सा, इसको ऐसे घुमाइए और देखिए क्या मस्त चाय बनाई है भाई ने। बताओ, लोग कहते हैं कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता, कितनी अच्छी चाय बनाई है। पापा चाय पी रही है। क्या भाई ने कड़क चाय बनाई है भाई। वंदे भारत है तो इसका वॉशरूम भी दिखाना बनता है। चले मैं आपको इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये इसका दरवाजे से पता चलता है कितना नीट एंड क्लीन है। आपको उसका कहीं भी पानी की एक छींट भी नहीं दिखाई दे रही है इसमें। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का प्लस ग्रीन कलर का लाइट चल रहा है। हम इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पे हैंड वॉश दिया हुआ है, टेप है, सॉकेट दिया हुआ है शेविंग के लिए। वॉशरूम नीट एंड क्लीन है। पूछो कैसी जर्नी। हाँ दर्शन किए बेटा, आप लोग कुछ है। यस, जय माता दी। हो गया हमारा बंद नहीं हो गया, दे दो भैया को। जय माता दी। ये तो खाना नहीं खाया, जल्दी से जोर से बोलो जय माता दी। और जोर से जय माता दी। इधर देख के जय माता। अरे हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के जय माता दी। जय माता दी, जैसे तो बोलो जय माता दी। बोलो मान कर दो। ये ऑन है कैमरा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये देखो रेड जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी। तो इतना ही जोर से जय माता दी। ट्रेन हमारी पहुंच चुके जम्मू तवी, जिसका स्टेशन कोड है JAT। और इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज, और बता दूँ इस ट्रेन के टोटल 4 हॉल्ट्स हैं। इसके बाद आएगा लुधियाना जंक्शन, अंबाला कैंट जंक्शन और लास्ट डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। और इसका पहला स्टॉपेज जम्मू तवी। हाँ, और यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है। अगर आप कुछ आपको कुछ अर्जेंट काम है तब प्लेटफॉर्म पे उतरें, वरना 2 मिनट के बाद इसका मैटिक लॉक सिस्टम है, लॉक हो जाएगा तो बाहर ही रह जाओगे। ये चीज़ का आप ध्यान देना अगर इस ट्रेन से आप जर्नी कर रहे हो तो। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ भीड़ बढ़ने वाली है। दरवाजे बाएं तरफ खुले हैं, डोर्स ओपन ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड या राइट साइड हुआ, राइट बोला था। नहीं, और ये लेफ्ट बोल रही है, अभी राइट में खुल रहा है। अभी सेटिंग अभी गड़बड़ाया हुआ है इसका। नहीं, अभी दिल्ली मेट्रो वाला भी इसका कहानी अभी नहीं है अभी। वाह, क्या खेल रहा है भाई गेम, वाह। आपको बार बार कहता हूँ कि इसका ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है, इसके पहले ही मैंने बताया था। आप मेरे पीछे फैमिली देख रहे हैं, ये लोग बेचारे अपने बच्ची को छोड़ने आए थे,
यहाँ जम्मू में, अब इन्हें मजबूरन लुधियाना उतरना पड़ रहा है। अब मैं सामने देख रहा हूँ लुधियाना स्टेशन, इसका स्टेशन कोड है LDH। यहाँ पे 219 ट्रेनों का हॉल्ट है, 19 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 19 ट्रेन टर्मिनेट। और लुधियाना स्टेशन से ट्रेन रवाना हो चुकी है और इसका नेक्स्ट स्टॉप पे जाने वाला है अंबाला कैंट। और ये हमारे सामने आ चुकी है डिनर। ये सूखी आलू की सब्जी, ये मूंग की दाल, पनीर की सब्जी, मूंग की दाल, सूखे आलू की सब्जी, राइस और रोटी, और एक छोटा सा पिकल, और इधर दही। आ चुका है नई दिल्ली। होप आपने ये वंदे भारत की जर्नी एंजॉय की होगी। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई जर्नी पे। तब तक के लिए अलविदा, बाय एंड टेक केयर।